नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज। बावल में गो सेवा संगठन उपचारशाला की ओर से शहीदों की याद में रविवार को भगत राम चौक पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिससे गो सेवा के नाम बावल क्षेत्रवासियों के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और गो सेवा के लिए दान दिया। गो प्रेमियों ने 5100 से लेकर 51,000 रुपये तक दान दिए। किन्नर समाज के लोग भी इस कार्यक्रम में दान देने से पीछे नहीं हटे। बड़े दानदाताओं के नाम मधु किन्नर 51,000 रुपये का दान दिया। दिनेश यादव सीनियर मार्केटिंग मैनेजर बावल ने 51,000 रुपये दिए। राहुल रामगढ़ ने 51,000 रुपये दिए। सभी दान वीरों का गौ रक्षा दल ने उनका हार्दिक आभार व्यक्त किया। गौ सेवा रक्षक दल की टीम ने दान वीरों को अपनी तरफ से सभी का आभार व्यक्त किया। इस जागरण कार्यक्रम में आने वाले कलाकार संजय पटेल, सुरेंद्र भाटी एंड कंचन यादव पार्टी पूजा राव समस्त पार्टी के साथ मौजूद रहे। बावल क्षेत्र के सभी ग्रामवासियों ने इस कार्यक्रम पर पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस अवसर पर हमारे संवाददाता राजेश शर्मा ने योगेंद्र आचार्य हरियाणा अध्यक्ष से बात की, तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। रक्षा दल हरियाणा क्या कार्यक्रम आज कार्यक्रम ये गौ सेवा उपचारशाला है बावल के अंदर, वो शहीदों की याद में हर प्रतिवर्ष कार्यक्रम करते हैं। आज भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस और इनके प्रेरणा स्रोत जो महर्षि स्वामी दयानंद जी की जन्म जयंती आज से प्रारंभ हो रही है, इस कार्यक्रम को बड़ी धूमधाम से उन्होंने मनाया है। देखिए, ये समाज के लिए बड़ी प्रेरणा की बात है और इस उपचारशाला के जितने भी युवा साथी इसको चलाते हैं और यहाँ किसी भी घायल एक्सीडेंटल गाय का उपचार होता है यहाँ पर, और जिन दानदाताओं ने यहाँ दान दिया है उनका बड़ा सौभाग्य है, बहुत पवित्र कार्य के लिए उन्होंने दान दिया है। दानदाताओं का मैं गौरक्षा दल हरियाणा की तरफ से और इस पूरी उपचारशाला की टीम की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ गौ माता की कृपा से इनके घरों में इसी तरह धन धान्य से भरे रहें।